नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आप लोग के बीच का हूँ। अगर मैं अगर आप लोगों का सम्मान कर सकता कर चर्चा करूँगा, मैं कहता हूँ आप लोगों से लोगों करता हूँ, आज मैं खड़ा हूँ मंच पे, मैं सारे इलाके के लोग खड़े हैं। अगर कोई जाने वाला मुख्यालय में कोई आवाज कह दे परवेज आलम के पास मैं गया, परवेज आलम ने मुझसे 1,000, 2,000, 5,000 ले लिया, मैं अपने गाड़ी में तेल भरवा लिया, अरे मैं चलन करके कल चक्कर आओ आए माइक लाल दूध की आज कर दे, मैं चुनाव छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अगर अगर तुम लोगों ने अगर शक्ति है, आप लोगों ने बहुत हमदर्दी है, आप लोग कहते हैं मैं दावेदार हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, आओ चैलेंज कर लो। सबके सब जानते हैं, ये जनता सबकी जानती है, जनता सब कुछ परख ली है, आज परवेज आलम के पीछे सारे लोग लगे हैं। ये बताइए कल तक मैं आता था यही लोग गलत गले मिलते थे, यही लोग मोबाइल करते थे, बेटा मेरा ये काम, बाबू मेरा ये काम, मैं बड़े भाई का सम्मान दिया, आज भी आपका सम्मान है, आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन मुझे भी लड़ाओ, छोटा भाई बना के लड़ाओ, मुझे घर का परिवार बना के लड़ाओ, मेरे पोर्टल के ऊपर आप प्रसिद्ध करवाते हो, जाते हो नकाये में कहते हो कि परवेज के लोगों ने कहा कि चुनाव में ऐसा करूंगा, चुनाव में वैसे करूंगा। मैं आप लोगों से देखकर वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ के किसी चलने वाले से अगर आप लोगों को कष्ट हो, मेरे साथ किसी रहने वालों से कहीं तकलीफ हो, मुझे माफ कीजिए। देखिए कोई लोग ठेकेदार एक आदमी पर 15 नहीं भर देगा, गाँव के सारे लोग वोट डालेंगे तब मेरा बच्चा भरा पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत राजनीति अपने हिसाब से कीजिए आप लोग, मुझे राजनीति बड़ी राजनीति करवाइए, देखिए आप लोग गाँव की राजनीति कीजिए, मुझे गाँव की राजनीति मत लिख कीजिए, बाकी शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी को आपका पेटर तोड़ना जाता है, झुकाना जाता है, काम देना जाता है, आप लोगों का सम्मान कहीं नहीं करने दूंगा। देखिए चुनाव माफ दूर बचा है, आप लोगों से गुजारिश है आप लोग अपने जगह बने रहे, आप लोगों को तरह तरह की बातें किया कर बदलाया जाएगा, तरह तरह की बातों में तरह तरह की बात कही जाएगी, फला ये कह रहे थे फला वो कह रहे थे, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ वोट देना है आपको, वो आम वोट देना है आपको, आप जिसको चाहें जैसे चाहें जांच लें परख लें तोड़ लें, जो राय को उसको वोट करें, जो आपके सम्मान बढ़ाई रख सके, आपके दुख दर्द में खत्म हो सके। आए बुजुर्गो मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरे छोटे भाइयों बड़े भाइयों आपके भाई के साथ भी इतना ताकत है, कसम खुदा की अगर आप लोगों ने कहीं भी मेरे वोट करने का अगर आप लोगों ने ठान दिया, कहीं किसी गाँव वालों के खिलाफ कोई अत्याचार कोई बात हुई, या आपका भाई लाठी डंडे से कहीं मैं देखना चाहता हूँ, लाठी डंडे से हाजिर रहूंगा, अगर चाहेंगे मैं थाने से देखना चाहता हूँ, थाने से हाजिर रहूंगा, अगर आप चाहते हैं मैं कल्चर के यहाँ देखना चाहता हूँ, कल्चर यहाँ हाजिर रहूंगा, मतलब आपका सम्मान मैं जाने दूंगा, आपके सम्मान में लेकर रहूंगा, आपके सम्मान में खड़ा मैं करूंगा, आपका सम्मान मुझे मैं दूंगा, आपका बेटा हूँ, आपके बीच का हूँ, आपका भाई हूँ, मैं भी तो आप ही क्या हूँ, मैं भी आपके बीच का हूँ, मैं तो कभी किसी से नहीं पूछता आप कौन हो क्या हो, मैं सिर्फ इतने पूछता हूँ भैया आपका दुख क्या है, आपका दर्द क्या है, आप हमसे चाहते क्या हो। इस चुनाव 4 दिन के चुनाव में देखिए आप लोग नहीं जानते हैं, मैं भी इसी जगह रहने वाला हूँ, सारे प्रत्याशी जगह रहने वाले हैं, हम कहते हैं भाईचारगी से लड़ लो, मैं इससे पहले भी लड़ा हूँ, मैं इससे पहले चुनाव लड़कर गया हूँ, क्या आप किसी कोई कह देगा कि परवेज आलम ने मैं फला के साथ था, परवेज मिलने के बाद मैंने सलाम नहीं किया, परवेज आलम ने मुझे प्रणाम नहीं किया, परवेज आलम ने मुझे चाय नहीं पूछा, परवेज आलम ने मुझे पानी नहीं पूछा, परवेज आलम ने मुझे सम्मान नहीं दिया, मैं चुनाव छोड़कर चला जाऊंगा, मैं किसी का विश्वास नहीं करता, आपका बेटा ने महाविद्यालय की राजनीति किया है, परवेज आपका बेटा आपको गर्व होगा, आप गर्व से कहिए, आप फख्र से कहिए, 39 वार्ड नंबर से आपका बेटा अगर जिला पंचायत सदस्य हो गया, आप लोग गर्व से कहिएगा कि मेरा बेटा 39 नंबर से परवेज आलम जिला पंचायत सदस्य है, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, आपके सम्मान का सौदा नहीं करूंगा, आपके सम्मान को गिनने नहीं दूंगा। और एक बात जान लीजिए आप लोग, ये चुनाव 2 दिन का और है, 2 दिन के चुनाव में आप लोग अपने जगह बने रहिए, आप अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए, अपने बेटे के लिए खड़े रहिए, आने वाले 13 तारीख में कैसी को मोहर लगाइए, मोहर लगा करके अपने बेटे को भारी मतों से विजयी बनाइए। देखिए आपका बेटा जिस दिन आप लोगों ने 13 तारीख बोल लिया, 15 तारीख की गिनती होगी, मैं वादा करता हूँ जैसे चौकीदार रात में अपने मालिक के लिए चौकीदारी करता है, सो जाओ मैं रात भर जगता हूँ, ऐसे 5 साल
खड़ा रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, आप लोग सो, आपका बेटा, आपका भाई गुजरात है, पांच साल आपको चौकीदारी करेगा, पांच साल आपको पांच साल आपको मरण करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत मुझे जाना है, मुझे देखना है, मैं आप लोगों से फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, अगर मेरे साथ नहीं चलने वालों से आप लोग कहीं से कष्ट हो, आप लोग दिल में कोई बात हो, देखिए मैं आपसे रोज कह रहा हूँ, आपसे अपनी बात कह रहा हूँ, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, आपसे माफी मांग रहा हूँ, आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई एक ठेकेदार, कोई एक एक ठेकेदार पक्षा नहीं पड़ेगा। जब हमारे गांव के, हमारे आस पास पड़ोस के, हमारी माँ बहने, हमारे भाई बहन जब एक एक वोट दे करके पक्षा भरेंगे, तब सर्वे आलम का पक्षा बनेगा। सर्वे आलम जानता है, सर्वे आलम जानता है कि गाँव वालों का सम्मान